ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 5 साल बाद नेताओं को क्यों याद आती है, चुनाव आते ही नेताओं को जनता की याद क्यों आ जाती है, चुनाव आते ही नेताओं के इलाकों के दौरे क्यों शुरू हो जाते हैं, चुनाव आते ही उन्हें ये क्यों याद आने लग जाता है कि उनके इलाके की जनता को परेशानी है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से सरिता जी हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण गर्ग साहब हैं हमारे साथ, और समाजवादी पार्टी से गौरव जैन युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस ब्रजभूषण जी आपके पास आऊँगा मैं। अगर मैं अभी कुछ देर पहले बुंदेलखंड का जिक्र कर रहा था, हालांकि गौरव जी ने उस बात को नकार दिया, उन्होंने कहा बुंदेलखंड का जिक्र आप मत करिए, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये यूपी की बात है, विधानसभा की बात है। कांग्रेस ने बहुत सारा पैसा बुंदेलखंड के लिए खर्च किया ब्रजभूषण जी, बहुत सारा पैकेज आप लोगों ने बुंदेलखंड को दिया कि बुंदेलखंड की स्थिति सुधरे, वहाँ के किसानों की स्थिति सुधरे, वहाँ की सड़कों की स्थिति सुधरे, लेकिन आज भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद अभी 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन आज भी बुंदेलखंड की हालत बहुत ज़्यादा गंदी है। नहीं गौरव जी आपके पास आऊँगा दोबारा, पहले कांग्रेस। ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 27 वर्ष से कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो हमने काम किए थे, जो सड़कें बनवाई थी, जो विकास किया था, 27 साल में तो सब नष्ट हो गया है। आने वाली सरकारों ने वहां कोई काम नहीं किया है, जो काम किया था वो कांग्रेस ने वो पूरी हो गया है। ब्रजभूषण जी सवाल ये भी उठता है, जनता सवाल ये भी जानना चाहती है कि आपको जब केंद्र में गठबंधन के केंद्र में जब आपको सहयोग की जरूरत होती थी तो समाजवादी पार्टी आपका सहयोग कर रही होती थी, लेकिन अगर प्रदेश में अगर विकास की जरूरत होती थी तो मेरे ख्याल से शायद सहयोग नहीं होता था दोनों का आपस में। सहयोग पर होना पड़ता है, सहयोग को बिल्कुल मिलता है। जो काम अखिलेश जी कर रहे हैं हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते, हम आलोचना करते हैं भाजपा की जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आप आलोचना इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि आप लोगों का गठबंधन है, आप लोगों को सरकार फिर मिलकर उत्तर प्रदेश में बनाने की सोच रहे हैं आप लोग। अच्छा, हमें नहीं करना है कि सम्मान के साथ अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, और सम्मान के साथ अगर होता है तो कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी, हर जीत पर जनता के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, दान बहुत बड़ा है, कुर्बानों की पार्टी है। सरिता जी आपके विधायक साहब तो फेल हो गए, कपिल देव जी वो तो पूरे तरीके से फेल साबित होते नजर आए, और गौरव जैन भी शायद इस बारे में नहीं बता पाए, वो भी ये नहीं बता पाए कि भाई वहां पर सड़कें बनी नहीं बनी या कपिल देव ने काम किया नहीं किया। इन्होंने कहा कि कपिल देव ने काम किया, थोड़ी देर के लिए बीजेपी की तरफ आ गए थे, ये उनके इलाके में काम हुआ। लेकिन आप बताइए, हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी के नेताओं को भी हमने देखा, बीजेपी के विधायक है तमाम, उनके भी हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे, इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। हम सरधना की बात कर लें, संगीत सोम काफी चर्चा में है, सुरेश राणा की बात कर लें, और तमाम विधायक है, मैं तो आसपास के विधायकों का जिक्र कर रहा हूं, ये लोग भी अपने विधायक अपने इलाके में एक बार भी जनता से मिलने नहीं गए। ऐसा आप कह रहे हैं, पर हमारे विधायक डोर टू डोर जाकर हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हैं और अपने क्षेत्र का विकास लगातार करवा रहे हैं। यही वजह है कि जो जनता से उनको इतना प्यार मिल रहा है, और इसी वजह से वो दोबारा फिर से मैदान में खड़े हो चुके। दिक्कत यह है कि आप लोग ना तारीफें करके बस रुक जाते हैं, अपनी तारीफें करना शुरू कर देना, अपनी पार्टी का गुणगान गाना शुरू कर देना। गौरव जी, अखिलेश यादव आप मानता हूं मैं विकास पुरुष है, आपने कहा बहुत सारा काम किया, बिजली भी दी है, रोजगार भी देने की बात हो रही है, 8-10 योजनाएं भी गरीबों के हितों के लिए आई है, आम जनता के लिए आई है, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई इस तरीके की पहल की कि भाई अपने विधायकों को बुलाकर मीटिंग करें वो, और उन्हें समझाएं कि भैया आप अपने इलाके में जाइए, जनता से ज़्यादा ज़्यादा संवाद करिए, वहाँ की रिपोर्ट्स मुझे दीजिए, वहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर वही हाल जो सब विधायकों का होता है, वही विधायक वही हाल है। नकुल जी, मैं बारे बारी तीन बातों को आपको जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, आप बुंदेलखंड की जो बात कर रहे थे, ये बात ठीक है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एरिया था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, मुख्यमंत्री ने वहां किया है, मैं बता, मैं एक बात पूरी कर लूं तो फिर सवाल शायद ना आए, बस आपको बुंदेलखंड पर रोकूंगा। एक मिनट, आपने कहा कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एरिया था, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए गौरव जी, बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं, बुंदेलखंड एक बहुत संपन्न इलाका था, बहुत संपन्न क्षेत्र हुआ करता था, आज उसे बर्बाद अगर किसी ने किया है तो इन सरकारों ने बर्बाद किया है। चलिए आप बढ़िए, अब आप बढ़िए, फिर उसके बाद मैं सवाल का जवाब भी देने को तैयार हूँ। बुंदेलखंड की स्थितियां फिलहाल के दिनों में बहुत खराब थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां गए, मुख्यमंत्री ने वहां की स्थिति देखी, आप दिखवा लीजिए, आपके ही मीडिया के माध्यम से चीजें सब जनता को भी पता चली थी कि 1200 से ज्यादा पेयजल के स्रोत का व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने वहां कराई है, कुएं खुदवा दिए, ट्यूबवेल दे दिए। नहीं, ये खुदवाए नहीं है ना, ट्यूबवेल दिए गए हैं, ये दिए नहीं गए। मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं ना गौरव जी, मैं इसलिए तो आपको रोक रहा हूं कि आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि खुदवा दिए, पेयजल दे दिया, दिया नहीं है, बात हुई है योजनाएं लाने की, बात हो रही है।
के लगभग पेयजल स्रोतों का वहां पर व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जिसमें कि कुछ ट्यूबवेल कुछ रजवाए चालू हो गए हैं और नहरों पर काम चल रहा है, नहरें चलने की ओर अग्रसर हैं, बहुत जल्दी नहरें चल जाएंगी। आप अब देखिए मुख्यमंत्री का पास जादू की छड़ी तो हो नहीं सकती कि घड़ी घुमाई और सब ठीक हो गया, व्यवस्थाओं में समय लगता है, आरंभ हुआ है और बहुत शानदार आरंभ हुआ है। और उसके साथ साथ वहां के लोग के पास राशन की भी व्यवस्था नहीं थी, समाजवादी राशन के नाम से वहां पे राशन के पैकेट लगातार 6 महीने तक व्यवस्था कराई है। इतना बड़ा पैकेट होता है जिसके अंदर 1 महीने का राशन लगभग 5 आदमियों का होता है, वो वहां पे लगातार बटा है। आप पता करा लीजिए, मैं इसमें कोई ये तो नहीं कि मैं हवाई बात कर रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से सबको पता चला है। और उसके अलावा भी वहां की सड़कों का मामला रहा हो, वहां की बिजली का मामला रहा हो, लगातार अपने बजट में व्यवस्था करके मुख्यमंत्री ने विशेष पैकेज बजट का बुंदेलखंड के लिए दिया है, पहली बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जो बात जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा की अभी आप कर रहे थे, लगातार उसके बारे में बात हो रही है, लगातार विशेष पैकेज आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय चैतन्य स्वरूप जी ने सदर विधानसभा के लिए लाए हैं। सड़कें हैं जहां पर दूसरी पार्टियों के मंत्री और विधायक भी रहते हैं, वहां की सड़कों पर भी पत्थर समाजवादी पार्टी का और विभागों का लगा हुआ है, दो बात। तीसरी बात जनता के बीच में जाने की, तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जनता दरबार मुख्यमंत्री जी लगाते हैं हमेशा, ये पता है सबको। जनपदों के अंदर भी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश, जब आदरणीय नेताजी थे या आदरणीय मुख्यमंत्री, सीधा निर्देश है कि शनिवार और इतवार को 2 दिन लगातार जनता दरबार जिलाध्यक्ष स्वयं लगाएंगे और बाकी 6 दिन पार्टी के विधायक और विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी कि वो पार्टी कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने। और उसके अलावा मैं खुद अपनी बात आपको बता दूं, मैं 8-9 साल यूथ जनसभा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, एमएलसी का चुनाव लड़ा है, मैं 3 जिलों में लगातार लगभग माह में 2 से 3 बार लगातार लोगों के बीच में जाता हूं, उनका काम। अरे आप जा सकते हैं गौरव जी, आप जा रहे होंगे, आप लोगों की बात भी समझ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है, सवाल एक आदमी का नहीं है, एक आदमी के जाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर 403 विधायक है तो 403 विधायकों को अपनी भूमिका समझनी होगी। तीनों मेहमानों का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की इस वक्त कमी है। मुद्दे पर हम बात करने की ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इन विधायकों इन सांसदों को कौन समझाएगा कि जनता सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं होती, जनता के पास वोट मांगने के बाद भी जाना होता है, विधायक बनने के बाद भी जाना होता है, उनकी समस्याओं को समझना होता है। उम्मीद है कि तमाम जो विधायक हैं सांसद हैं समाचार टुडे के इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और अपनी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। नतीजा नहीं निकला है, नतीजा सिर्फ इतना निकला है कि तमाम पार्टियों ने अपने कामों का गुणगान किया है और गुणगान ही हुआ है, इसके अलावा कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन हमारी अपील है उन तमाम सांसदों और विधायकों से कि अगर आप वोट मांगने के वक्त जनता के बीच जाते हैं तो अगले 5 साल में भी आप भले ही 1 महीने में 4 बार जाएं लेकिन जनता के बीच जरूर जाएं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, सिर्फ ऐसी कमरे में ना बैठे रहें। फिलहाल मेरे साथ सीधा सवाल में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।